आप देखें राजधानी समाचार बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल की राजधानी में सहकारिता मंत्री जो अरविंद सिंह उनके बाहर बंगले के बाहर सहकारिता समिति के जो अध्यक्ष हैं बी एस चौहान जी, हम बात करेंगे क्या मुद्दे लेके और क्या परेशानियां लेके यहाँ भोपाल राजधानी तक आना हुआ आप लोगों को। हमारा 2008 से संगठन बना है, तब से हम लोग बराबर, हमारी एक ही मांग है कि सोसाइटी के समस्त कर्मचारियों को, चाहे वो प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, विक्रेता, सेल्समैन, चौकीदार, भृत्य, समस्त कर्मचारियों को जब शासन की योजना हम लोग चलाते हैं और हमको शासन से वेतन मिलना चाहिए, कमीशन बेस पे हम लोग काम नहीं करेंगे। शासन के कई बार आश्वासन पर, मंत्री जी के आश्वासन पर कई बार हम लोग आंदोलन भी कर चुके, स्थगित भी किया, लेकिन आज तक हमारे लोगों की कोई सुनाई नहीं हुई। आज की एक विषम परिस्थिति ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो उचित मूल्य की दुकानों से हमारे विक्रेता बंधु खाद्यान्न का वितरण करते हैं और जो POS मशीनें हैं उनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां हैं, अतिरिक्त माल कभी भी खाद्यान्न बढ़ जाता है, कभी भी कम हो जाता है, उन सारी दिक्कतों को लेके जो ज़िले के खाद विभाग के अधिकारी, चाहे वो SDM हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर, दुकानों की जाँच करते हैं और जो अनलीगल तरीके से जो माल बढ़ा है दुकानों पर, उनको लेके FIR जो की जा रही हैं, उनको रोका जाए, ये हमारे विशेष मुद्दे हैं। क्या बात हुई मंत्री जी से, क्या टाइम मिला, कब का बोला था? आज माननीय मंत्री जी से 3 बजे का समय मिला है, लेकिन हम कई बार मंत्री जी से मिल चुके हैं, कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके, सिवाय आश्वासन के हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन आज मंत्री जी से बात करने के बाद अगर हमको आदेश मिलेगा तो ठीक है, अन्यथा हमारा शेड्यूल तय हो चुका है पूरे मध्य प्रदेश में 2 मार्च 2022 को ज्ञापन सौंपा जाएगा, 7 मार्च 2022 से पूरा अनिश्चितकालीन तालाबंदी, उचित मूल्य की दुकानें, सहकारी संस्थाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाए। सरकार की योजनाएं आती हैं, घर घर राशन पहुँचाया जाए, कई प्रकार की योजना, प्रधानमंत्री राशन योजनाओं को लेकर आप लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, काम बढ़ाया जाता है, तो उस प्रकार से सैलरी क्यों नहीं दी जा रही, क्या सरकार क्या सोच रही है? शासन हमको अपना शासन कर्मचारी नहीं मानती है, लेकिन ठीक है, लेकिन हम शासकीय कर्मचारी को काम तो करते हैं। हाँ, काम तो शासन का कर्मचारी नहीं है, लेकिन शासकीय कर्मचारियों की भांति हमको वेतन मिलना चाहिए। जब हम शासन की योजनाएँ चलाते हैं, चाहे वो PDS हो, चाहे वो उपार्जन का कार्य हो, चाहे वो खाद वितरण का कार्य हो, चाहे वो KCCA का कार्य हो, सारे काम जब हमारी सोसाइटी के कर्मचारी करते हैं तो हमारी एक मांग है कि शासन से ही वेतन मिलना चाहिए, कमीशन बेस पे हम लोग काम नहीं करें। देख सकते हैं लगातार सहकारिता मंत्री के बंगले के बाहर सहकारिता समितियों के अध्यक्ष हैं और लगातार उनके जिलाध्यक्ष हैं और जो भी उनके कर्मचारी काफी आए हैं, और बात यही है कि उनको शासकीय वेतन जो वेतन मिलनी चाहिए और कमीशन बेस पे काम नहीं करेंगे। राजधानी समाचार से नीर विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।